नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेक रेडॉट हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक अपना एक प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। वैसे इस बारे में मुझे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं और ऐसे मुझे इंस्टा या फिर फेसबुक पे मैसेज भी कुछ बहुत आए हैं, जिसमें मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि भाई एक मुझे प्रोसेस बताओ कि कैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँ और मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं है, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने कहा। तो यार कोई बात नहीं, अगर आपके पास मोबाइल है तो चैनल उससे मोबाइल से ही बनता है। और एक बस ऐसा नहीं कि कोई चैनल बस बन गया, ऐसा नहीं। आपका जो है, जैसे कि लोग अपना जो अर्निंग करते हैं उस टाइप का चैनल में बताऊंगा कैसे बनाना है। चैनल को बना के अपना वेरीफाई कैसे करना है यूट्यूब से वो मैं बताऊंगा। उसके बाद अपने YouTube चैनल को एडसेंस से कैसे लिंक करना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपका बस YouTube चैनल बनने से आपका जो है आप अर्निंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। आपको अपना जो YouTube चैनल का लिंक है उसे जो वेरीफाई करना पड़ता है एडसेंस से। एडसेंस को एक फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि मैं बताऊंगा कैसे फॉर्म भरा जाता है। आज इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। पहले मैं बता दूं, अगर आपका गूगल अकाउंट बना हुआ है तो 3 मिनट वीडियो को आगे बढ़ा दें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो अगर आप बिल्कुल नया है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख रही है पूरी। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। मैं अभी बता रहा हूं कि जीमेल कैसे बनाना है, तो अपने सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पे गूगल मिलेगा, सॉरी अकाउंट मिलेगा। तो अकाउंट में जाइए, अकाउंट में जाने के बाद ऐड अकाउंट कीजिए, उसके बाद गूगल अकाउंट पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने गूगल पे क्लिक किया, उसके बाद आपको जो अपने मोबाइल का अगर आप पासवर्ड लगाए हुए हैं तो पासवर्ड मांगेगा, अपना पासवर्ड डाल दें। उसके बाद आपका चेकिंग इन्फो करेगा, उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट करें और यहाँ पे अपना जो है जो अपना जीमेल बना रहे हैं, जो गूगल अकाउंट बना रहे हैं वो अपना नाम डाल दें। अपना नाम भी डाल सकते हैं, चैनल का भी नाम डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं अपना नाम ही दे रहा हूँ। और हाँ, आप मतलब कोई भी चैनल बनाएं, म्यूजिक वाला या फिर कॉमेडी या फिर इंटरटेनमेंट, आप कोई चैनल बनाएं, सबका सेम ही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे जैसे अपना नाम डालने के बाद आपको नंबर मांगता है, तो नंबर आप वही डालें जो कि आपके साथ हमेशा रहता है, कभी ज़रूरत पड़े तो वेरीफाई हो जाए आपके साथ, आपके पास ही। तो मैंने नंबर डाल दिया जो कि मेरे पास है। और यहाँ पे आपको उस पर कोड गया होगा, आप देखें, जैसे मेरे पे कोड आया तो मैंने कोड अपना डाल दिया। यहाँ पे 6 अंक का कोड आया है, तो कोड डालने के बाद, ओटीपी कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे बर्थ डेट मांगता है, तो अपना बर्थ डेट वगैरह डाल दें। जैसे कि मैं अपना बर्थ डेट डाल रहा हूँ, अपना रियल बर्थ डेट डाल दें आप, मैं ऐसे ही कुछ डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना बर्थ डेट डालने के बाद आपको अपना जो है आईडी मांगता है, मतलब ईमेल आईडी। तो यूजर नेम में अपना जो भी हो अपना डाल सकते हैं, जैसे अपने चैनल का अगर आप डालते हैं तो और आपका प्रोफेशनल लगेगा, अच्छा लगेगा। ऐसे अगर जो अपने नाम का भी अगर आप यूजर नेम डालते हैं तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना अवेलेबल होता है आपका यूजर नेम वो सब अपना डाल दें। जैसे टेक वर्ल्ड में 99 डालता हूँ, तो 99 में ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो अपना यूजर नेम डालने के बाद आपको पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड क्रिएट कर लें, हार्ड पासवर्ड क्रिएट करें अल्फ़ाबेट और नंबर को मिला के, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये जो है अभी क्रिएट हो रही है पासवर्ड, जैसे ही मेरा पासवर्ड क्रिएट हो चुका है तब आपको फिर से आपको नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, जैसे नेक्स्ट करना है और ये वेरीफाई हो रही है। आपके मोबाइल पर फिर से एक कोड जाएगा, तो वो कोड को आपको डालना है यहाँ पर, जैसे कि ये मेरा कोड आया था गूगल की तरफ से। तो अब फिर से आपको नेक्स्ट कर देनी है, नेक्स्ट कर देंगे तो आपका जो ये जीमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा कम्प्लीटली ढंग से। तो ये देख सकते हैं, ये जो है कम्प्लीट वेरीफाई हो चुकी है। तो अब आपको अपने YouTube पे जाना है, YouTube एप्लीकेशन पे, और मैं फिर से आपको बताता हूँ स्टेप टू स्टेप। YouTube अपना जो एप्लीकेशन है वो ओपन करें, उसके बाद आपको जो कॉर्नर में अकाउंट का ऑप्शन मिलता है उस पर क्लिक करें। अब साइन इन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मेरा 2 जीमेल था, तो ये टेक वर्ल्ड अपडेट वाला जो संदीप कुमार है ये मेरा नया जीमेल है, तो जिसपे कि मैं अपना चैनल खोलना चाहता हूँ, एग्जाम्पल में आप यही समझ लो। तो यहाँ पर एड्स आया तो स्किप करते हैं। तो आपको फिर कॉर्नर में जाके माई चैनल पे सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे मैं फिर से आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ आपको अपने अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद माई चैनल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको आ जाता है कि अपने चैनल का नाम डालें।
तो चैनल का नाम आप जो भी डालना चाहते हैं, कुकिंग का है या इंटरटेनमेंट का है, कोई भी डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अपने चैनल का नाम आप 3 बार चेंज कर सकते हैं। तो अपना जो सोच लें उसके बाद चाहे तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं अपने चैनल का नाम। तो टेक इन्फॉर्मर में मैं डाल देता हूँ, उसके बाद आपको क्रिएट चैनल कर देना है। और चैनल क्रिएट करने के बाद ये देख सकते हैं ये जो चैनल बन चुकी है। तो अब यहाँ पे एक बात आ जाती है चैनल को वेरीफाई करने की। आप चलिए, आपका चैनल तो बन चुका है लेकिन आपको आपका प्रोफेशनल चैनल बनाने के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ता है अपने चैनल को। तो आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है, उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र अगर फर्स्ट बार अगर खोलते हैं तो आपको जीमेल सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो अपना जीमेल सिलेक्ट कर लें, उसके बाद अपने क्रोम ब्राउज़र में जो है यूट्यूब को सर्च करें। जैसे मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, यूट्यूब ओपन हो चुका है। तब आपको कॉर्नर में जो 3 डॉट मिलता है उस पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट मिलेगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं डेस्कटॉप साइट पर, इसके बाद आपका जो मान लीजिए यूट्यूब जो है ये एक तरह से वर्चुअल कंप्यूटर में बदल चुका है। तो अब आपका ये मोबाइल नहीं है, आपका ये वर्चुअल कंप्यूटर बन चुका है। तो अब ये लेआउट जो आपको दिखता है यूट्यूब का, ये बिल्कुल कंप्यूटर का है। तो में क्लिक करने के बाद क्रिएटर स्टूडियो पे आपको जाना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपका इस तरह से जो है चैनल का जो है कंप्लीट जो है व्यू आपको इस तरह से मिलता है। आपको चैनल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको देखिए जूम करें अकाउंट में तो आपको वहां पे वेरीफाई का एक ऑप्शन नजर आएगा। तो वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूं। ये वेरीफाई जो है उस पे आपको क्लिक करना है। तो वेरीफाई करते हैं और यहाँ पे आपको आपको कॉल और मैसेज का ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। तो मैं कहूँगा आप टेक्स्ट का यूज़ करें, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको नंबर मांगता है, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर। तो अपना फ़ोन नंबर डाल दें, तो नंबर डालते हैं क्योंकि ये वेरीफाई करने के लिए आपके नंबर पर एक गूगल की तरफ से एक कोड जाएगा। उसके बाद आपका जो YouTube चैनल है जो नॉर्मल वाला वो बदल जाएगा प्रोफेशनल YouTube चैनल में, वो अच्छी तरह से YouTube से वेरीफाई हो जाएगा, Google से वेरीफाई हो जाएगा। मैंने अपना जो है नंबर डाला, उसके बाद मुझे 6 डिजिट का जो है कोड यहाँ पे आया, तो मैं कोड अपना डाल देता हूँ। उसके बाद आपको सबमिट कर देनी है और ये सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज आता है एक वेरीफाइड, कॉन्ग्रेट्स योर YouTube अकाउंट इज़ नाउ वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो चुका है, तो अब तो यहाँ पे बस वेरीफाई हुआ है, बात तो अभी मेन चीज़ तो अभी बाकी है भाई। यहाँ पे अपने चैनल को जो है एडसेंस से लिंक करना है, तभी आपके चैनल पे एड्स आएगा। जो वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो पे एड्स आएगा उस, और सभी यूट्यूबर को जो है एड्स का ही पैसा मिलता है। तो यहाँ पे आप चैनल के लेआउट में देखें तो आपको यहाँ पे मोनिटाइजेशन का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो जूम आउट करके मैं आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ, यहाँ पे मोनिटाइजेशन है, यहाँ पे देख लें। मोनिटाइजेशन आपको इनेबल पे क्लिक करनी है, तो इनेबल पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आपको 4 जो है प्रोसेस आता है, जो कि अप्लाई फॉर मोनिटाइजेशन का ऑप्शन आता है। तो पहला पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे YouTube का जो है अपना रूल आता है उसको एक्सेप्ट करने का आपको एक जो डैशबोर्ड आता है, तो अपना सभी को एग्री कर दें। एग्री करने के बाद एक्सेप्ट कर लें, जैसे कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया और ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो पहला कंडीशन एक्सेप्ट मैंने कर लिया, तो अब आता है साइन अप फॉर एडसेंस। तो अब आपको यहाँ पे स्टार्ट करनी है, उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको मोनिटाइजेशन के लिए आपको फिर से नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट पेज के लिए। तो नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे आपको जीमेल मांगेगा, तो अपना नया वाला जीमेल जो है वो सिलेक्ट कर दें और ये अब एडसेंस में जा चुका है। तो एडसेंस में आने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट जो है, अपना कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना होता है और कुछ टर्म कंडीशन आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है। तो अपना कंट्री सिलेक्ट करें, पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान, वैसे तो मैं इंडिया से हूँ भाई, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करते हैं। और ये सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपको यस कर देनी है और यस करने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री कर देनी है। तो ये सारे भाई रूल को अगर पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे। तो यहाँ पे यस करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करते हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं भाई। इस वीडियो को जो आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब ये देख सकते हैं इस तरह से आपको एक होम पेज आएगा और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड करनी है, और स्टार्टेड करने के बाद ये आता है पेमेंट एड्रेस डिटेल।
तो अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, जैसे विलेज आपका जो है, जो आपका पोस्ट है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से देना पड़ेगा। अगर आप अपना जो मान लीजिए आप कोई अगर फॉर्म भरते हैं और मान लीजिए एटीएम के लिए आप फॉर्म भरते हैं, जो अपना एड्रेस देते हैं वही एड्रेस दीजिएगा, अपना पिन कोड दीजिएगा, जिसके बाद कि जब आपका $10 फर्स्ट बार जब पूरेगा तो गूगल की तरफ से कोड आएगा आपको, और वो कोड आपको पोस्टमैन के थ्रू ही आएगा आपके पंचायत में। तो जैसे कि मैंने अपना तो एड्रेस बिल्कुल सही सही दे दिया, और ये अपना नाम भी बिल्कुल सही सही डाल दें, और यहाँ पे स्टेट में आपको जैसे जो आपका स्टेट है वो भी आपको देना पड़ेगा, पिन कोड आपको देना पड़ेगा, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सब डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपना नंबर डालें, और नंबर डालने के बाद यहाँ पे अकाउंट जो है इंडिविजुअल जिसे है, तो अपना अकाउंट टाइप को इंडिविजुअल रखें। तो चलिए यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब आपको यहाँ पे सब कुछ चेक करके सबमिट कर देनी है, क्योंकि भाई ये पेमेंट डिटेल एड्रेस है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सावधानी से अपना सही सही देना होगा, कोई भी गलत ना करें। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट करें, यहाँ पे जो आपको मिलता है रीडायरेक्ट, और यहाँ पे आपको जो है आपका क्वेश्चन करेगा कि किस ऐप से आप ओपन करना चाहते हैं यूट्यूब को, तो अपना जो है क्रोम सिलेक्ट करें, और ये फिर आपको जो है नेक्स्ट कंडीशन आपको सिलेक्ट करना है, सेट मोनिटाइजेशन प्रिफ्रेंस, तो यहाँ भी आपको स्टार्ट करनी है, जिससे दूसरा भी आपका वेरीफाई हो चुका है। तो मोनिटाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे ये पूछता है कि आप किस टाइप का अपने वीडियो पे एड्स लगाना चाहते हैं, तो अपना जो भी है वो सब सेट कर लें, यहाँ पे बस आपको नेक्स्ट कर देनी है, उसके बाद आपका तीसरा भी वेरीफाई हो चुका है। तो अब यहाँ पे चौथा जो रूल है यूट्यूब का वह है 4000 वॉच टाइम। यूट्यूब कहता है कि पहले आप अपने वीडियोज़ पे 4000 वॉच टाइम लाइए, मतलब अगर व्यूज़ में बात किया जाए इस वॉच टाइम को कन्वर्ट करके, तो आपको यूट्यूब कहता है लगभग 50-60 हज़ार व्यूज़ लाने के लिए 5 मिनट की वीडियो पे। उसके बाद आपको बस यहाँ पे जिस दिन आपका उतना व्यूज़ आ जाएगा, 4000 वॉच टाइम आ जाएगा, सब्सक्राइबर 1000 आ जाएगा, उसके बाद जब आपसे लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद आपको बस यहाँ पे ओके करने का ऑप्शन आएगा, उसे बस आपको जिस दिन आपका पूरेगा उस दिन यहाँ पे आपको आके इनेबल कर देनी है उस बटन को। उसके बाद आपका जो है बिल्कुल चैनल जो है वो कम्प्लीटली अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद जो आप वीडियो अपलोड करेंगे उस पर आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही YouTube का जो है नया अपडेट है, जबकि यही 2016 में ये सब नहीं था, बस यहाँ पे अपना एड्रेस डालने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता था मोनिटाइजेशन के लिए। तो अब बात यही है बस, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो भाई YouTube ने अपना रूल जो है यहाँ पे रखा है। तो बस यार, अगर जो आप एक सच्चे क्रिएटर हो तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे अगर आप करते हो तो फिर ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं कहूँगा, अगर आप में हिम्मत है, दम है, अगर आपको खुद पे भरोसा है, तो फिर यार ये सब कुछ नहीं है, 4000 वॉच टाइम ये बस मिनट का काम है। अपना बस कंटेंट शेयर करो, लोग पसंद करेगा, आपसे लोग जुड़ेंगे और लोग आपसे सीखेंगे, तो भाई ऑब्वियसली ये सब पैसा वगैरह ये सब आते रहेगा। इसीलिए मैं कहूँगा अपने कंटेंट पर ध्यान दें, और आपको खुद पर भरोसा है तभी वीडियो को अपलोड करें। और तो बस यार यही थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये प्रोसेस सारा जो मैंने बताया बिना कंप्यूटर के था, यहाँ पे कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको समझ में आ गया होगा कैसे जो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं। भाई एक रियल में बात में कहा जाए तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत तो पड़ी ही, लेकिन यहाँ पर आपका काम मोबाइल से भी हो गया, वर्चुअल कंप्यूटर बना के अपने मोबाइल को। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और भी लोगों के साथ, ताकि और भी लोग जान पाएं कैसे अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो सब्सक्राइब करने के लिए यार आपको तो पता होगा, जब आप चैनल बनाने के लिए जान रहे हो तो ये भी पता होगा कि सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा देना भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।